फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज आसिफ अंसारी एंड यू आर वॉचिंग इंजीनियरिंग टेक्टिक्स। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ डेंसिटी ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ओके, यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल, कॉमन मटेरियल जो लगता है, उसकी डेंसिटी क्या क्या होती है, कितनी होती है, वो मैं इसमें बताने वाला हूँ। काफी ईजी है, लेकिन हमें एट अ टाइम याद नहीं रहता है, और हर मटेरियल्स की डेंसिटी हमें मालूम होनी बहुत जरूरी रहती है। साइट पे बहुत काम आता है, और कभी क्विज कॉम्पिटिशन में गए तो वहां पे भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन में कभी आता है। तो जो भी कॉमन मटेरियल्स है उसका मैं डेंसिटी आपको बताने वाला हूँ सबका। तो इसमें मैंने सिर्फ 10 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का डेंसिटी बताया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं डेंसिटी सीमेंट की। ओके, तो सीमेंट की डेंसिटी होती है 1400 केजी पर एम क्यूब। ओके, अब डेंसिटी की कभी भी बात आएगी ना, तो कौन से भी मटेरियल रहने दो, ओके, और कुछ भी वैल्यू रहने दो, उसकी जो यूनिट होती है वो केजी पर एम क्यूब होती है। ओके, अब सेकेंड मटेरियल ले लेता हूं मैं, स्टील का। तो स्टील की डेंसिटी होती है 7850 केजी पर एम क्यूब। ओके, तो नेक्स्ट मैं बता देता हूं कॉन्क्रीट की डेंसिटी। ओके, अब कॉन्क्रीट की डेंसिटी अलग अलग होती है, मींस के पीसीसी के लिए अलग और आरसीसी के लिए अलग, दोनों की अलग अलग होती है। तो पीसीसी में क्या होता है कि उसमें स्टील नहीं होता है, और आरसीसी में स्टील रहता है, इसलिए उसको आरसीसी यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट बोलते हैं, और पीसीसी को प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट बोलते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट की डेंसिटी। ओके, तो इसकी डेंसिटी होती है 2400 केजी पर एम क्यूब। ओके, अभी नेक्स्ट बता देता हूं मैं आपको रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट, तो इसकी डेंसिटी होती है 2500 केजी पर एम क्यूब। ओके, तो ये इसका हो गया। अभी मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूं सैंड की डेंसिटी। ओके, तो सैंड की डेंसिटी हम एग्जैक्टली बोल नहीं सकते, क्योंकि अलग अलग लोकेशन में सैंड की डेंसिटी चेंज होते रहती है, उसके मटेरियल्स के हिसाब से, सैंड के हिसाब से। तो इसमें ना कभी भी आता है तो ये रेंज में ही आता है, इसका आप एग्जैक्ट बता नहीं सकते हैं, एग्जैक्ट बताएंगे आप अपने लोकेशन की। ओके, तो यहां पे मैं एक रेंज बता देता हूं कि सैंड की रेंज होती है डेंसिटी की, वो स्टार्ट होती है 1600 से 1850 या 1900 तक होती है इसकी डेंसिटी, केजी पर एम क्यूब, इस रेंज में रहता है सैंड की डेंसिटी। ओके, अब बता देता हूं मैं कोर्स एग्रीगेट की, कोर्स एग्रीगेट की डेंसिटी। तो इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, इसका भी रेंज में रहता है, लोकेशन के हिसाब से चेंज होते रहता है। तो इसका भी कुछ इसी तरीके से रहता है सैंड के जैसा, 1600 से लेकर 1890 या 1950 केजी पर एम क्यूब, यहां तक की इसकी रेंज होती है इसके डेंसिटी की, कोर्स एग्रीगेट की। ओके, अभी मैं आपको बता देता हूं सीमेंट मोर्टार की डेंसिटी। ओके, अब क्या होता है कि सीमेंट मोर्टार, अब क्या सीमेंट से थोड़ा वो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है, इसमें सीमेंट सैंड मिक्स हो गया है, तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी 2162 केजी पर एम क्यूब। ओके, तो ये सीमेंट मोर्टार की डेंसिटी हो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूं वाटर की डेंसिटी। ओके, तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 केजी पर एम क्यूब। ओके, इसका एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे तो वो 997 होता है केजी पर एम क्यूब, लेकिन जब भी हम ऑन पेपर थ्योरेटिकल लेते हैं तो हम इसको 1000 केजी पर एम क्यूब लेते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं कॉमन रेड ब्रिक। ओके, जो पहले यूज होता था, अभी भी कहीं कहीं पे होता है, लेकिन अभी मोस्ट ऑफ जगह पे ब्लॉक का यूज करते हैं, ब्रिक का भी कम होता जा रहा है। तो मैं रेड ब्रिक का बताता हूं कि इसकी डेंसिटी क्या होती है। तो इसका भी रेंज होता है, जो शुरू होता है 1600 से
1920 केजी पर एम क्यूब तक. ओके, यानी क्वालिटी के हिसाब से इसकी भी डेंसिटी चेंज होती रहती है अलग अलग लोकेशन में. और आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर बताया था, उसका मैंने 7th क्वेश्चन आपसे पूछा था, उसका आंसर जो बहुत लोगों ने आंसर दिया है, तो वो सारा मैं नेक्स्ट जब मैं बनाऊंगा पार्ट 2 उसमें मैं उन लोगों का नाम डिस्प्ले करने वाला हूं जिसका राइट आंसर है. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से जाके वो वीडियो को देख सकते हैं. तो नेक्स्ट पार्ट में मैं उन लोगों का नाम डिस्प्ले करने वाला हूं. ओके, तो अभी देख लेते हैं लास्ट कॉन्क्रीट ब्लॉक का. ओके, जो अभी मोस्ट कॉमन यूज होता है हर जगह पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो यूज होता है कॉन्क्रीट ब्लॉक, उसका मैं आपको बता देता हूं डेंसिटी. तो इसमें तीन कैटेगरी होता है. तो फर्स्ट कैटेगरी आपको बता देता हूं मैं. फर्स्ट होता है डेंस कॉन्क्रीट ब्लॉक. ओके, यानी कि जो हार्ड रहता है, थोड़ा हैवी रहता है, तो उसका जो डेंसिटी रहेगा उसका रेंज हो जाएगा 1800 से 2100 केजी पर एम क्यूब. दूसरा मैं आपको बता देता हूं, लाइट वेट या मीडियम डेंस. ओके, तो इसका रेंज होता है 650 to 1500 केजी पर एम क्यूब तक का होता है. ओके, और इसका जो थर्ड कैटेगरी आता है वो होता है एयरक्रिट ब्लॉक. ओके, जो इससे भी हल्का रहता है, तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो 400 to 900 तक की होती है. ओके, तो ये सब मटेरियल्स का डेंसिटीज हो गया. तो इसे याद रखना बहुत जरूरी होता है. और इसके अलावा, इस मटेरियल्स के अलावा आप किसी और मटेरियल्स की डेंसिटी अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं. तो अगर वो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा कमेंट आ जाएगा, तो उसके ऊपर भी मैं एक न्यू वीडियो बना दूंगा. ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.